नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका रमनदीप सिंह और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट आइल्स क्यू कार्ड पे। ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल भी है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये क्यू कार्ड है इसका भी आंसर एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बार फिर से मैं आपको अपनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ऑनलाइन आज ट्रेनिंग में हेल्प कर सकें। सो दोस्तों, ये क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ बुक विच इज़ योर फेवरेट, और टॉक अबाउट योर फेवरेट बुक। इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं नेम ऑफ द बुक, हु इज़ द ऑथर, व्हेन यू रेड इट एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, और व्हाई यू लाइक्ड इट सो मच। मैं एक बहुत ही फेमस राइटर का नाम लेने वाला हूँ इंडिया के, जो तकरीबन सबके दिलों में बसता है, और वो है चेतन भगत। जी हाँ, चेतन भगत, आप सब इनको जानते हैं। बहुत ही मज़ेदार बुक्स लिखते हैं, बहुत ही मज़ेदार नॉवेल्स लिखते हैं, और जिनको पढ़ना हमेशा ही एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। मैंने काफ़ी पढ़े हुए हैं, इसलिए उनमें से एक मैंने चूज़ किया है इसके लिए। और ये चूज़ इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर हो सकता है, अगर आपने ये नॉवल ना पढ़ा हो, लेकिन आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, टू स्टेट्स। यस, टू स्टेट्स, एक्चुअली इन्हीं के नॉवल पे एक बेस मूवी भी है। सो इसको हमने ध्यान में रखते हुए ये आज का क्यू कार्ड डेवलप किया है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कि ये इसका जो राइटर है वो मेरा फेवरेट राइटर है, उनका जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ईजी टू फॉलो है, बड़ी सिंपल और ईजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ह्यूमर है इनकी टॉक के अंदर, जगह जगह पे आपको हंसने का मौका मिलता है, जिससे आपकी इन्जॉयमेंट हो जाती है रीडिंग करते करते। सबसे बड़ी चीज़ है इसका थीम, इसका जो थीम है वो है इंटरकास्ट मैरिज, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। तो उसमें वो जो लड़का और लड़की, जो दे फॉल इन लव विद ईच अदर, वो बजाय कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाएं या अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, वो एक प्यार से अपने माँ बाप को मनाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनकी मैरिज भी होती है। सो ये नॉवल आपके लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में था और इसने आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में भी हेल्प की। cool. तो इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक क्यू कार्ड बनाएंगे, एंड द सैम्पल आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस। वेल, आई रियली एंजॉय रीडिंग, इट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू इन माई फ्री टाइम, and I often read books on my friend's recommendation, and recently I read the book Two States. It is actually a novel written by a famous author of India, Chetan Bhagat. I actually borrowed it from my friend and I read it. I thought it will take me a long time, but it was so interesting that I read the entire book just in 4 or 5 days. I really like the theme of this novel, and it is actually the intercaste marriage. It is a very prominent social issue in my country. The story goes like this, that a boy and a girl who were studying in IIT, they fall in love with each other. Now, they want to get married, but as usual, the Indian mentality, the parents are against their marriage because they both are from different states of India. The boy is from Delhi, the girl is from South India. Now, what happens? The parents don't want them to be married because they have different culture, different religion and everything. But instead of going against their parents' wish, they try to win their heart with love and affection. By the end of the novel, the parents accept them and they get married. So what I like is the easy language used by the author, and there is a lot of humor because Chetan Bhagat includes a lot of humor in his novel. So it was so interesting. I had a lot of fun reading this.
Since this novel is in English language, so it really helped me to improve my language as well. It is a very interesting book. In fact, a movie, Two State, was also produced inspired by this novel, and I also watched that movie. Overall, it is a fantastic book, and I definitely suggest others to read this and other books of Chetan Bhagat. थैंक यू वेरी मच गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है. मैं आपसे मिलता रहूँगा और भी वीडियोस के साथ और भी आंसर्स के साथ. टिल देन, बाय.